नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत गमलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आए हुए हैं, जहां पर बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने, चोरों ने यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ यहां से चोरी की गई है, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यहां पर जो शिव भक्त हैं वो सारे यहां पर मौजूद हैं और काफी आक्रोश व्यक्त करते हुए पुलिस थाना सागवाड़ा में जाकर इन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। क्या कुछ चोरी किया है और क्या कुछ यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, इस संबंध में हम यहाँ पर जो शिव भक्त मौजूद हैं उनसे जानकारी लेते हैं। प्रतिदिन की बात ही, कल भी हमने आरती की, संध्या आरती होती है प्रतिदिन, उसके बाद सभी अपने अपने घर पे चले गए थे। सेवक ने भी मंदिर मंगल करके अपने घर पे चला गया था। आज प्रातः 6 बजे सेवक मेरे घर पे आया और उसने कहा कि मंदिर में चोरी हो गई है, ताले टूटे हुए हैं। उस पर मैं और निखिल भैया और हम सब आए मंदिर में सुबह ही 6 बजे। उसके बाद आए, देखा तो अंदर आते ही ये वाला ताला टूटा हुआ था मंदिर का, और धूनी के अंदर से जितने भी धूनी के अंदर जितने भी भाले थे और साधुओं के जितने भी वस्त्र थे वो निकाल दिए गए थे। यहाँ से पूरा ये बिखरा हुआ था, यहां से इन लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया पर कुछ मिला नहीं, तो यहां से जो भी भाले वगैरह थे उनको निकाला गया और यहाँ पीछे की ओर गया है, जहां पर इस भाले से इन्होंने जाली को तोड़ने का प्रयास किया पर जाली टूट नहीं पाई। फिर एक गेट यहां से इन्होंने इस गेट से भी यहां पर तोड़ने का प्रयास किया, यहां से भी प्रवेश कर सकते थे वो, यहां से आए हुए तो ये त्रिशूल वगैरह सब पड़े हुए हैं, ये धूनी से ही निकाला है इन लोगों ने। फिर इन लोगों ने यहां से ताले तोड़ा। इस गेट पे जो ताला लगा हुआ था टूटा हुआ था, यहाँ पर ये इन्होंने भाले से वार किया, उसके निशान भी लगे हुए हैं। ये यहाँ से अंदर इन्होंने प्रवेश किया, प्रवेश करके ये सीधा इस ताले पर आए। एक ताला यहाँ पर भी रहता है, इस ताले को भी इन्होंने तोड़ा, अंदर प्रवेश करके यहाँ पर महादेव को प्रतिदिन चांदी के श्रृंगार से श्रृंगार किया जाता है महादेव का, तो यहाँ अंदर डब्बे में पूरा श्रृंगार रहता है। तो हम सुबह आए, वो डब्बा इधर पड़ा हुआ था, बाहर की ओर पड़ा हुआ था, जिसमें लगभग 1/2 किलो से भी ज्यादा चांदी का श्रृंगार था, चंद्रमा था महादेव का, चांदी का नाग था लगभग 200-200 ग्राम का, चौर थे, बिल्व पत्र थे, त्रिपुंड थे, चंद्रमा था, तो ये सारी चीजें, छत्र था, ये सारी चीजें उपस्थित नहीं थी। हम जब आए थे तब सब बिखरा हुआ था। लगभग 1/2 किलो से ऊपर चांदी था, जिसमें कई वर्षों से हम प्रतिवर्ष चांदी का श्रृंगार अंदर नया लाते थे, पर इन्होंने सब कुछ अस्त व्यस्त करके पूरा गायब, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अभी हमने मांग की है कि हमको शीघ्र अति शीघ्र इस पर निवारण मिले, जो भी चोर हो वो पकड़े जाए, और आए दिन यहाँ पर असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है, यहाँ पर रात्रिकालीन आते हैं, तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जैसा कि अभी यहाँ पर ज्ञात हुआ, कम से कम 1/2 किलो के लगभग चांदी जो है चोरी हुई है और काफी यहाँ पर नुकसान हुआ है, धूनी को भी नुकसान किया गया है। पुलिस थाना सागवाड़ा में सभी शिव भक्त वहां पर पहुंचे और उन्होंने इन असामाजिक तत्वों को, चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। लेकिन वहां पर एक बात सामने आई है कि पुलिस का जाप्ता पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है वहां पर, और जो होमगार्ड थे जो रात्रिकालीन यहां पर गश्ती करते थे उनकी संख्या भी कम है, वो सरकार ने बंद कर दिए गए हैं। ऐसा फिर भी हमारे गश्त तो माकूल चल रही है, लेकिन अब जैसे होमगार्ड थे वो हटा दिए, तो
मोटरसाइकिल से हम जाता तो बिल्कुल हमारा प्रयास रहेगा इस चोरी को हम बंद करें। सरकार से और प्रशासन से यही मांग रहेगी कि जो इस तरह से असामाजिक तत्व इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उन पर जल्द से जल्द नियंत्रण किया जाए और ऐसे असामाजिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।